हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम लेकर आई हूँ। आज का गेम मेरा हैप्पी न्यू ईयर से रिलेटेड है। जैसा कि न्यू ईयर आने वाला है तो सभी अपनी पार्टी में हैप्पी न्यू ईयर से रिलेटेड गेम कराना चाहेंगे, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए गेम लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और इसे खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। इसकी प्रिपरेशन भी बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ एक पेपर्स, जितने मेंबर्स हों उतने पेपर्स पे आपको हैप्पी न्यू ईयर लिखना है। आपके पास अगर आप 10 मेंबर में गेम करा रहे हैं तो आप 10 पेपर्स पे हैप्पी न्यू ईयर लिख लीजिए, जिस तरीके से मैंने लिख रखा है। तो फ्रेंड्स, इस गेम को वन बाय वन मेंबर खेलेगा और गेम को एंजॉय करेगा। इसमें आप टाइम लिमिट रख लीजिए, आप 40 सेकंड्स का टाइम रखिए। सभी मेंबर्स को ये गेम बहुत पसंद आएगा। आप बच्चों की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, या न्यू ईयर की पार्टी, या आपकी किटी पार्टी है, तो सभी में आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको गेम का डेमो देके बताऊंगी गेम हमें कैसे खेलना है। इस गेम को खेलने के लिए आपको सिर्फ एक इस तरीके से पेपर की जरूरत पड़ेगी और एक डाइस की जरूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ गेम हम कैसे खेलेंगे। जैसे कि फर्स्ट मेंबर आया, आपको उससे कहना है कि उसके पास 40 सेकंड्स का टाइम है, उसके बाद उसे डाइस रोल ऑन करना है। उसने चला 5, तो वो कुछ नहीं करेगा। अब उसका आया फ्रेंड्स 1। यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट होगा 1 से। तो 1 आया, तो 1 पे वो क्या करेगा, 1 अल्फा, 1 नंबर पे हमारा एच है, तो हम एच को कट कर देगा। अब उसका आया 6, लेकिन 1 के बाद 6 नहीं, 1 के बाद आता है 2, तो हमें यहाँ पे चाहिए 2। तो हमें जल्दी, अब हमारा आ गया 2, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 के बाद फ्रेंड्स आना चाहिए 3, तो जल्दी जल्दी डाइस रोल ऑन करना है, जब तक उसका 3 नहीं आ जाएगा। यहाँ 3 आ गया, तो ये हो गया 3। अब हमें चाहिए 4 फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी डाइस रोल करना है। 4 आ गया, तो आप ये देख सकते हैं ये 4 पे मेरा एक और पी कट हो गया। अब मेरा दोबारा से 4 आया, ये नहीं माना जाएगा। अब मुझे चाहिए 5, तो ये मेरा आ गया 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरा हैप्पी कंप्लीट हो गया। अब हमारे न्यू पे, तो न्यू के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दोबारा से 1 चाहिएगा, हमें 6 नहीं चाहिएगा, यहाँ पे दोबारा से 1 चाहिएगा। तो हम 1 से एन को कट कर देंगे। 1 के बाद हमें 2 चाहिएगा, मेरा 2 आ गया है, मैंने ई कट कर दिया। अब मुझे चाहिए फ्रेंड्स 3, तो मेरा आ गया 3। अब यहाँ पे हमारा हैप्पी न्यू कंप्लीट हो गया। अब हमारा ईयर रह गया है, मेरा टाइम भी स्टॉप होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी डाइस रोल ऑन करूँगी। अब मुझे 1 की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा वाई 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा टाइम स्टॉप हो गया है। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हैप्पी न्यू और वाई 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो आप मेरे नाम के आगे हैप्पी न्यू प्लस वाई लिखेंगे, आप इस तरीके से स्कोर लिखेंगे, हैप्पी न्यू प्लस वाई। अगर मैंने हैप्पी कंप्लीट किया होता और न्यू नहीं कंप्लीट किया होता, तो आप मेरे नाम के आगे सिर्फ हैप्पी लिखेंगे। जो भी मेंबर सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करेगा, यहाँ पे आप गिन सकते हैं, मैंने 5, 6, 7, 8, 9, या तो आप 9 पॉइंट्स लिख लीजिए, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं हैप्पी न्यू प्लस वाई। जिस भी मेंबर के सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएंगे, वो गेम का विनर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हैप्पी कंप्लीट होने के मतलब एच के बाद उसका 2 ही आना चाहिए, फिर 3, नहीं तो वो कोई भी अल्फाबेट को कट नहीं कर सकता। जब हैप्पी कंप्लीट हो जाएगा तब वो न्यू पे आएगा। तो न्यू के लिए उसे पहले 1 चाहिएगा, फिर 2, फिर 3, इसी तरीके से ईयर के लिए चाहिएगा। आप अगर इसमें 40 सेकंड्स आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप 30 सेकंड्स का भी टाइम रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप एक एक मेंबर को गेम खिलाइए, जो मेंबर सबसे ज़्यादा अल्फाबेट कंप्लीट कर लेगा वो गेम का विनर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।